ओके हमने डिस्कस कर लिया है वेरिएशन एंड इट्स टाइप, अब हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, जो भी जेनेटिक्स के अंदर हम जो टर्म्स यूज करते हैं उन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टर्म्स में हम जेनेटिक्स यूज करते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इनहेरिटेंस यूज करते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है जीन्स। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स एक्चुअली में प्रोटीनियस सेगमेंट्स होते हैं, प्रोटीनियस सेगमेंट्स होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ये प्रोटीनियस सेगमेंट्स जो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं उनको जीन्स बोलते हैं। एक्चुअली में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारा डीएनए है, डीएनए की कोइलिंग की वजह से हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल कर आता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एक्चुअली में है तो डीएनए का पार्ट ही, जो डीएनए ने बनाया है, ठीक है। अब जो डीएनए होता है उसके ऊपर नाइट्रोजिनस बेसिस की सीक्वेंसेस होती हैं और वो नाइट्रोजिनस बेसिस की जो सीक्वेंसेस हैं वो मिलकर एक प्रोटीनियस सेगमेंट बनाती हैं जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करती हैं। वो अमाइनो एसिड के लिए जो सीक्वेंसेस कोड कर रही हैं वो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या एक्सप्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस होती है इनको हम जीन्स बोलते हैं। ये जो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, इनके अल्टरनेट सेट्स होते हैं जिनको एलील्स बोलते हैं। एलील्स जो होते हैं वो अल्टरनेट सेगमेंट्स होते हैं लोकेटेड ऑन जीन्स। इनको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स आल्सो। तो जो जीन्स होते हैं उनके अंदर फर्दर, जैसे ये जीन की सीक्वेंसेस हैं, तो जीन्स के अंदर फर्दर जो सीक्वेंसेस लोकेटेड हैं, जो किसी ना किसी, जैसे ये एक जीन सीक्वेंस है, ये क्रोमोसोम, ये जीन है, तो इस जीन के ऊपर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को एक्सप्रेस करने वाली सीक्वेंसेस होती हैं, उन एक्सप्रेस करने वाली जो सीक्वेंसेस होती हैं वो क्या कहलाती है, एलील्स। तो एलील्स जो होती है वो जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो ही जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे कोई भी जीन है जो हेयर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीन हेयर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है उन हेयर कलर को एक्सप्रेस, हेयर कलर जो है वो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हेयर कलर को एक्सप्रेस करने के लिए अल्टरनेट प्रोटीनियस सेगमेंट्स जो जीन के ऊपर लोकेटेड हैं उनके एक्सप्रेशन की वजह से जो हेयर का कलर होगा वो ब्राउन हो सकता है, वो ब्लैक हो सकता है। तो वो जो सीक्वेंसेस अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एलील्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एलील्स के बाद वो है हमारी होमोजाइगस कंडीशन और हेटरोजाइगस कंडीशन, उसके अलावा होमोलोगस क्रोमोसोम और हेटरोलोगस क्रोमोसोम। हम क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स और दूसरी साइड में हम डिस्कस कर लेते हैं हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस का मतलब क्या, होमोलोगस का मतलब हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। तो जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स जो है वो सिमिलर शेप, साइज और स्ट्रक्चर के हैं जिसमें
ठीक है, तो डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कोई भी एक क्रोमोसोम जो है वो डिसिमिलर हो किसी दूसरे क्रोमोसोम के शेप, साइज और स्ट्रक्चर में। तो जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की पेयरिंग, जिसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो लार्ज साइज का होता है और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है। तो ये दोनों ही डिफरेंट सीक्वेंसेस को कैरी करते हैं, उसके अलावा शेप, साइज और स्ट्रक्चर में भी एक दूसरे से डिसिमिलर है, दैट इज वाई दे आर नोन एज हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो होमोजाइगस कंडीशन आती है, और दूसरी कंडीशन आती है आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस एंड सेकेंड इज हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स होमो का मतलब सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, कोई भी वो क्रोमोसोम जो सिमिलर सेट ऑफ एलील्स को कैरी करे वो होमोजाइगस कंडीशन होगी, और कोई भी वो कंडीशन जो डिफरेंट सेट्स ऑफ एलील्स को कैरी करे या डिफरेंट एलील्स जो है वो किसी भी क्रोमोसोम के सेट में आए तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट के लिए जो एलील्स रेस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है। तो डोमिनेंट एलील, अगर प्योर डोमिनेंट एलील्स है तो टॉल एलील्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे और ड्वार्फ एलील्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो इसमें क्या है, सिमिलर सेट ऑफ एलील्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी सिमिलर सेट्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट है, प्योर एलील्स प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन जिसमें सेम सेट ऑफ एलील्स प्रेजेंट रहते हैं या प्योर एलील्स प्रेजेंट रहते हैं वो कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ एलील्स प्रेजेंट है, यानी दोनों ही एलील्स एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या है, एक एलील टॉल हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दूसरी ड्वार्फ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये डिसिमिलर पेयर में प्रेजेंट है। अगर सिमिलर पेयर में प्रेजेंट है तो दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, अगर डिसिमिलर सेट्स में प्रेजेंट है तो दिस कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, उसके बाद अगर हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो फैक्टर्स एक्चुअली में जीन्स ही होते हैं। फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो फैक्टर्स एक्चुअली में जीन्स ही होते हैं। जो जीन होते हैं वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इस जो जीन्स थे उन जीन्स को फैक्टर का नाम दिया था मेंडल ने। तो फैक्टर्स एक्चुअली में क्या होते हैं, जीन्स ही होते हैं, जीन्स की सीक्वेंसेस ही होती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीनोटाइप एंड फीनोटाइप, फीनोटाइप एंड जीनोटाइप। फीनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम देख के बता पाते हैं कि एक्चुअली में कौन सा कैरेक्टर विजिबल है, जैसे आईज का कलर, प्लांट की हाइट है ना, बॉडी का शेप, साइज या स्ट्रक्चर। तो कोई भी जो फिजिकल अपीयरेंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अराइज होता है वो क्या कहलाता है, आपका फिनोटाइप कहलाता है। प्लांट की हाइट हो सकती है, शील्ड का शेप हो सकता है, सील कलर हो सकता है ना, फ्लावर की पोजीशन हो सकती है। तो जो बाहर से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम देखते हैं और उसके बाद जो अपीयरेंस आता है उसको फिजिकल, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीनोटाइप। तो जीनोटाइप की जब हम बात करते हैं तो जीनोटाइप एक्चुअली में क्या होता है, फीनोटाइप प्लस जेनेटिक मेकअप का कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली में जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का,
यानी जो फिजिकल अपीयरेंस अराइज हुआ है वो किसी ना किसी जीन्स के रीजन की, जीन्स के अपीयरेंस की वजह से या जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से अराइज हुआ है। तो वो कंडीशन जिसमें फिनोटाइप और जीनेटिक मेकअप जो होता है मिक्स हो जाता है और एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के बाद कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अराइज होते हैं वो क्या कहलाता है आपका जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रेट्स का, ट्रेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑफस्प्रिंग्स। ट्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रेट्स क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ट्रेट्स क्या होते हैं, किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं। उसके बाद प्रोजनी आती है, प्रोजनी क्या होती है, प्रोजनीज जो होती है वो जनरेशन होती है जो आपके एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी पेरेंट से जो कोई नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकती है। तो जो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू जनरेशंस अराइज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी और प्रोजेनीज जो होती है वो मोनोपेरेंटल भी हो सकती है और वो बाईपेरेंटल भी हो सकती है। मोनोपेरेंटल का मतलब सिंगल पेरेंट्स की वजह से नई जनरेशन आ जाए, बाईपेरेंटल का मतलब कि कोई भी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी वन विल बी मेल एंड सेकंड विल बी फीमेल की वजह से कोई नई जनरेशन हमारे पास आए तो दैट इज सेक्सुअल कंडीशन और जनरेशन इज नोन एज प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग्स जो होती हैं वो जनरेशन होती हैं जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही फॉलो करती हैं और उसकी वजह से कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर हुए हैं या नए ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं वो जो नए ऑर्गेनिजम्स की जनरेशन है वो ऑफस्प्रिंग्स कहलाते हैं। तो हमें टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई, ये है हमारी टर्मिनोलॉजी जो मोस्टली टर्म्स, टर्मिनोलॉजी मीन्स जो मोस्टली टर्म्स हम जेनेटिक्स में यूज करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंडल के बारे में। हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के बारे में, तो जब हमने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था तो जेनेटिक्स जो टर्म थी वो बेटसन ने दी थी 1901 में। ओके, तो मेंडल की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। मेंडल जो थे वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले एक पर्सन थे जिनकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो घर में ही हुई थी, लेकिन एजुकेशन के रिसोर्सेज ना होने के कारण वो अपनी एजुकेशन को प्रोसीड नहीं कर पाए और ऑस्ट्रिया से थे, वहां पे क्या हुआ वो एक मॉन्क बन गए, साधु बन गए। वहां से उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्रोसीड किया, अपनी एजुकेशन को प्रोसीड करने के बाद उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में एज अ मैथमेटिशियन पढ़ाना स्टार्ट किया। जब वो वियना यूनिवर्सिटी गए वहां पे उन्होंने क्या देखा, कुछ पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जो पी प्लांट्स उन्होंने लिए वो स्वीट पी थे जिनको हम बोलते हैं पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम एक्चुअली में गार्डन पी है। तो जब उन्होंने पी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया तो पी प्लांट्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी उन रिजल्ट्स के अंदर इंक्लूड किया। तो जब उन्होंने उनके अंदर रिजल्ट्स को इंक्लूड किया तो उन्होंने बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें देखी। तो जो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कैरी करना स्टार्ट किया। तो मेंडल ने पाइजम सेटाइवम के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उन पाइजम सेटाइवम के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया। सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया।
कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो किसी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर से डिफरेंट हो। तो यहां पे उन्होंने कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और कुछ रिसेसिव कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो जो प्लांट के कैरेक्टर्स थे उसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया वो प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है। ड्वार्फ मींस शॉर्ट, ओके। उसके बाद फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी भी हो सकती है। एक्सिलरी का मतलब जो किसी एंगल से अराइज हो। टर्मिनल भी हो सकती है यानी जो बिल्कुल टॉप के ऊपर अराइज हो। पॉड शेप, इनफ्लेटेड, बिल्कुल सीधी और कंस्ट्रक्टेड। पॉड कलर ग्रीन, उसके बाद शील्ड शेप, शील्ड शेप जो है वो राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है, सील्ड कलर येलो डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ग्रीन एंड अदर विल बी फ्लावर कलर। तो इट मे बी कलर एंड इट मे बी वाइट, ओके। दीज आर फ्यू डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक features and these are some recessive characteristic features. So all our mentor studied on these seven contrasting characteristic features, as a result of which Mendel finds some specific ratios in such crosses or in such seven contrasting characteristic features. Hello everyone. तो हमारा पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स की कुछ बेसिक चीजों के बारे में, उसके अलावा मेंडल के काम के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जो काम किया था वो एक्चुअली क्या था और उसके की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे उसके काम के। तो जो मेंडल का काम था उसको हम मेंडलिज्म बोलते हैं। मेंडलिज्म जो है यानी मेंडल ने जो काम किया था वो पाइजम सेटाइवम के ऊपर किया था। पाइजम सेटाइवम जो है, पाइजम सेटाइवम गार्डन की था। तो उन्होंने सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो स्टडी किया, उन सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर उन्होंने क्या क्या किया, उनकी स्टडी के की पॉइंट्स क्या थे। उनकी स्टडी का पहला की पॉइंट था उन्होंने सिर्फ प्योर कैरेक्टर्स को स्टडी किया। प्योर कैरेक्टर्स इन द सेंस कि उन्होंने सिर्फ वाइल्ड फर्स्ट, पहले जो एक्सपेरिमेंट किया वो सिर्फ वाइल्ड एलील्स के ऊपर, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनको विजिबल थे उनके ऊपर ही किया। उसके अलावा वो प्योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर ही आगे बढ़े। यानी अगर वो डोमिनेंट, किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो पहले उन्होंने उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। अगर वो किसी रिसेसिव कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने उस रिसेसिव कैरेक्टर को ही आगे रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन को प्रोसीड किया। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये कि जब उन्होंने अपनी स्टडी की तो अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड किया। क्रॉस पोलिनेशन को अवॉइड इसलिए किया क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन की वजह से वेरिएशन अराइज हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चेंज हो सकते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन को ही प्रोसीड उन्होंने किया।
क्रॉस पोलिनेशन को उन्होंने प्रेफर नहीं किया। तो कंटिन्यूअसली जो 5 to 7 जनरेशन हुई, तो कंटिन्यूअस 5 to 7 जनरेशन के बाद उनको बिल्कुल एग्जैक्टली प्योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिले जो एग्जैक्टली प्योर थे। उसके बाद पूरे प्योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है, उनको स्टडी करने के बाद उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो किया। हाइब्रिडाइजेशन को जब उन्होंने फॉलो किया तो हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करने के बाद उनको कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। तो उसके बाद उन्होंने हाइब्रिड प्रोसेस को क्या किया, कंटिन्यू किया। जब उन्होंने हाइब्रिड प्रोसेस को कंटिन्यू किया तो उनके कुछ स्पेसिफिक रेशियोज फाइंड आउट हुए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के केस में भी और डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में भी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसमें कोई भी एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करता है और दोनों ऑर्गेनिजम्स के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाला कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अराइज होता है। तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प ली, उन्होंने पहले सिंगल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने डबल कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करना स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर स्टडी करना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की हेल्प ली तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनको मिले। तो जब उन्होंने ये सारे फाइंडिंग्स ली तो ये सारी फाइंडिंग्स लेने के बाद उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बेस बनाया था और उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया, अपने पेपर किसी पेपर में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ एक पेपर था जिसके अंदर एक जनरल पेपर में उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी उन फाइंडिंग्स को रखा। जब उन्होंने उस पेपर के अंदर उन फाइंडिंग्स को पब्लिश किया तो उन फाइंडिंग्स को पब्लिश करने के बाद जो पीपल्स थे उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। अब डिनाई करने का मेन रीजन क्या था? क्योंकि उस टाइम पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को अलग कंसीडर किया जाता था जिसमें कोई भी सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज देखने को मतलब पूरा ही डिसिमिलर था, मतलब कोई भी सिमिलरिटीज उसमें देखने को नहीं मिलती थी। तो क्योंकि मेंडल का काम लोगों की समझ से परे था तो इसलिए उन्होंने मेंडल के काम को प्रेफर नहीं किया या उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके अलावा मेंडल खुद कंफ्यूज थे कि एक्चुअली में ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने उनकी जो फाइंडिंग्स थी या उनकी जो भी फाइंडिंग्स उन्होंने पब्लिश की उनके बारे में वो खुद भी श्योर नहीं थे। क्यों नहीं थे? एक तो ये कि जो जनरल पेपर में उन्होंने जो पेपर में पब्लिश किया था वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं था, मतलब हर एक वर्ल्ड के हर एक कोने में नहीं, वो एक लिमिटेड एडिशन में ही प्रिंट होता था। दूसरा, मेंडल खुद श्योर नहीं थे कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया क्या वो सीरियसली सही है। तो इस रीजन की वजह से मेंडल का जो काम था उसका कंसिडरेशन नहीं हुआ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद 1884 में किडनी डिसऑर्डर की वजह से मेंडल की डेथ हो गई। मेंडल की डेथ होने के बाद मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई। जब मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई तो ह्यूगो डी वेलिस, कार्ल कोरेन एंड थेशल मार्क ने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की और उसके बाद उन्होंने प्लांट्स के ऊपर उनकी स्टडी को, उसके अलावा ह्यूगो डी वेलिस ने एनिमल्स के ऊपर भी उनकी उनका जो काम था उसको अप्लाई किया। तो जब इन चीजों को अप्लाई किया इन तीनों ने, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक्चुअली में मेंडल ने जो काम किया था वो सही है। तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से उनको एक जनरल पेपर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड में पब्लिश किया। जब मेंडल के काम को पब्लिश किया गया तो ये उन्होंने पब्लिश किया 90s में।
ठीक है, उस ड्यूरेशन तक म्यूटेशन थ्योरी भी आ चुकी थी ह्यूगो डीमेरस की। तो ये सारी जो फाइंडिंग्स थी या मेंडल के काम की रीडिस्कवरी थी, उन्होंने साइंस को, जेनेटिक्स को एक बेस दिया। और सबसे ज्यादा काम कंसिडर किया जाता है मेंडल का, कि जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा जो काम है वो मेंडल ने किया था, तो इस रीजन की वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसिडर किया जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसिडर किया जाता है मेंडल को। तो ये बात हो गई जनरल। अब बात करते हैं मेंडल ने जो काम किया था